काल पुरुष की कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी, नाक कान गले त्वचा वाणी बुद्धि के साथ साथ आपके व्यापार के कारक बुध, जिसे नवग्रहों में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है, 16 सितंबर 2023 को सिंह राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। इनका मार्गी होने पर चार राशि वाले लोगों को कौन सा लाभ होगा, कौन सी वो चार राशियां हैं, आइए आपको बताते हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के तीसरे और छठे भाव का स्वामी बुध पांचवें भाव में मार्गी हो रहा है। इस समय नौकरी व्यापार करने वाले लोगों को लाभ अधिक होगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही तनातनी भी अब खत्म हो जाएगी। कुटुंब में होने वाले अकारण कलह कलेश भी स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। विशेष तौर पर जो लोग कला से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए लोगों को भी अपने क्षेत्र में भरपूर सफलता प्राप्त होगी। अब क्या करना है मेष राशि वाले लोगों को? भाई, उपाय के तौर पर मेष राशि वाले सभी लोग छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, उन्हें मनाएं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। सुबह के समय गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन संख्या रहेगी 3 बार, यानी कि ये गणेश चालीसा और गणेश स्तोत्र आपको 3 बार पढ़ना है। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को हलवा खिलाइए, उससे पहले देवी उपासना आपको जरूर करनी होगी। दूसरी राशि है मिथुन राशि। तो पहली हमने मेष बताई, दूसरी मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और वह अपने से तीसरे भाव में मार्गी होगा, तो ऐसे में व्यापार से जुड़ी हुई जितनी छोटी बड़ी यात्राएं आप करेंगे, आपको भरपूर लाभ होगा। अपने छोटे भाई बहनों से संबंध पहले से मजबूत और घनिष्ठ हो जाएंगे। भाई, छोटे भाई बहन का जो कारक है वह मंगल भी है और साथ ही तीसरा भाव भी देखा जाता है, तो मजबूत हो जाएंगे और घनिष्ठ हो जाएंगे आपके संबंध। प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़ी हुई समस्या हल होगी। विशेष तौर पर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के बदलाव का यह समय होगा, जो कि उनको शुभता देगा। अब मिथुन राशि वाले क्या करें? भाई, उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गाय की सेवा करनी है और संभव हो तो एक पन्ना रत्न किसी की सलाह लेकर अपनी कुंडली का आकलन कराकर आप जरूर धारण कर लीजिएगा। मित्रों, चार राशियों में से तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में दूसरे और एकादश भाव के स्वामी मार्गी हो रहे हैं, ऐसे में उधार दिए हुए धन की वापसी जो है वो आपको जरूर होगी। व्यापारियों को जबरदस्त लाभ होगा। काफी समय से चल रही पति पत्नी के आपसी कलह कलेश तनातनी अब खत्म होने जा रहे हैं। नौकरी और आजीविका में आपको भरपूर वृद्धि के साथ ही सफलता का योग भी बनेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को मान सम्मान के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी, उनका वर्चस्व फैलेगा। ऐसे में काफी समय से रुका हुआ बिजनेस प्रपोजल भी आपका पास हो जाएगा। क्या करना है उपाय सिंह राशि वाले लोगों को? भाई, सिंह राशि वाले लोग एक महामंत्र का जाप करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, यह गणेश गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। मित्रों, उन चार राशियों में से अंतिम और चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य भाव का स्वामी है और लाभ स्थान में मार्गी हो रहा है, तो ऐसे में आपके भाग्य में आने वाली कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, वो खत्म होगी। नौकरी व्यापार के आपको नए नए अवसर की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए झगड़े में आपकी विजय आप निश्चित समझिए। इस समय विदेश यात्रा से भी धन का लाभ हो सकता है। अगर आप कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जाने का आपका विचार है, तो उसे आप थोड़ा सा उसमें जोड़ दीजिए और जाने का प्रयास करिए। भाई बहनों से आपके संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। अब उपाय क्या करें भाई तुला राशि वाले? उपाय के तौर पर सभी तुला राशि वाले अगर बुध के मार्गी होने पर पूर्ण लाभ चाहते हैं, तो गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना होगा सुबह के समय। जरूरतमंद लोगों को अन्नदान कर दीजिए। ये छोटे छोटे महा उपाय जो चार राशि वाले विशेष लोगों के लिए हमने बताए हैं, उन्हें यह जरूर अपनाने होंगे ताकि लाभ कम समय में मिल सके।
तो मित्रों अन्य सभी राशि वाले यानी कि जो आठ राशियां बची हैं, अन्य सभी राशि वाले लोग बुध की प्रसन्नता पाने के लिए सुबह के समय भीगे हुए साबुत मूंग पक्षियों को डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से मार्गी हुआ बुध कहीं ना कहीं इन्हें शुभता जरूर देगा। विशेष तौर पर सभी राशि वाले लोग शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन किन्नरों की दवा, वस्त्र, पैसे, कपड़े, भोजन देकर खूब मदद करें। ऐसा करने से भी मार्गी हुआ बुध आपको शुभता जरूर देगा, धन की प्राप्ति कराएगा, आपके संबंधों को बेहतर करेगा। तो भाई जब मार्गी हुए हैं बुध और उच्चाभिलाषी हैं, यानी कि मार्गी होते हुए सिंह राशि में उच्चाभिलाषी होते अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ता हुआ ग्रह उच्चाभिलाषी कहलाता है, तो ऐसे में उच्चाभिलाषी बुध आपको शुभता खूब देगा। तो मित्रों ये छोटे छोटे महा उपाय आप जरूर करिएगा।